अहम फैसले ऐसी अज कैबिनेट दे विच लए है, अहम फैसले होर भी हुए है, बाकी फैसले जिहड़े है वह विधानसभा के सैशन भी जाणगे, जिन्हां दी विधानसभा के सैशन च जाण दी लोड़ नहीं है वह मैं थोड़ी ते पंजाब दे लोकां दी जानकारी वास्ते दस रहा कि दो वड्डियां राहतां जिन्हां दी बड़ी लोड़ है वह असीं पंजाब दे लोकां नूं देण जा रहे हैं। उहदे विच शहरी जिहड़े लोग रह रहे हैं उहदे जदों कोई कलोनी वसदी है या कोई जमीन अक्वायर हुंदी है तां उस तों बाद एक ट्रेंड ही बन गया है कि हर जिमीदार फिर कोर्ट में चले जाता है, कोर्ट चो जेडे उहदे रेट है उहदी आम तौर पर इनहांसमेंट मिल जाती, तो जो इनहांसमेंट मिलती है तो उहदे ते पंजाब सरकार का जिहड़ा रेट है वह 15% ब्याज का है, उहदे ते ब्याज लैंदी है पंजाब सरकार, जिहड़ा कि अल्टीमेटली कंज्यूमर ते पैंदा जिन्होंने उत्थे प्लाट खरीदे होंगे। लो इहदे च 40,000 फैमिलीज अफेक्टेड है पंजाब दे विच। अज पंजाब सरकार ने कैबिनेट दे विच वह 15% नूं घटा के 7.5% कर दिता है, 40,000 फैमिलीज नूं 7.5% की जिहड़ी राहत है वह अज असीं देण जा रहे। इस तों अगे एक बहुत वड्डी खुशखबरी पंजाब दे लोकां नूं देण जा रहे हैं जिहदे नाल हर वर्ग के हर बंदे नूं फायदा होना है। पेट्रोल दे रेट ते डीजल दे रेट जदों दी बीजेपी सरकार आई है बहुत वड्डे मार्जन दे नाल वधे है। असल दे विच बीजेपी दी चोणां दे विच सरकार ही पेट्रोल दे रेटां नूं लेके आई सी कि जी देखो इन्ना रेट हो गया मनमोहन सिंह दी सरकार, लेकिन पिछले 18 महीनों विच ही जिहड़े पेट्रोल दे रेट है वह का डीजल का रेट 61 रुपये तो 98.5 रुपये हो गया है पिछले सिर्फ 18 महीनों के। सो इस तरीके दे नाल पंजाब और देश के दे लोगों की लुट की गई है जिहड़ी पहला कदे नहीं सी। 70 साल तो 60-70 रुपये पर रेट आया, तो 7 साल के चल के 95 रुपये पर चले गया, 104 रुपये तक चले गया। कोई कंट्रोल नहीं रहा बीजेपी सरकार का, इन्होंने पूरे देश के लोगों को बुरी तरह लुटिया। हूँ रेट पहला 30-30 रुपये बढ़ाते तो हूँ उन्होंने 5 रुपये या 10 रुपये घट करके वाहवा खट्टण दी यतन कर रहे। मैं तुहानूं इह वी दसना चाहुंदा हां कि जिहड़ा रेट घटाया गया है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, उहदे विच 42% शेयर स्टेटां दा हुंदा है, वो जिहड़ा पैसा है उहदे चों 42% शेयर पंजाब सरकार नूं भी आउणा हुंदा है, ते जद वह कटदा है तो साडा भी 42% घट जाता है। ये रेट साढ़े सिर पर घटाए गए हैं, लेकिन पंजाब दे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवादी हाँ, पंजाब सरकार ने अज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जिहड़ा कि पिछले 70 साल के विच कदे मैं सुनया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया हो। मैं 1900 नवंबर 1986 मैनू पेट्रोल पंप कनौली विखे अलॉट होया सी, नाम सीगा जिमीदारा फिलिंग स्टेशन, मैं उहदा रखिया सी ते मैं उत्थे काफ़ी देर काम किया, अज तक कदे इन्ना नहीं रेट घटिया कि लगातार 10 रुपये रेट घट गया हो। तो मैं पंजाब दे लोकां नूं मुबारकबाद दिना, 10 रुपये
पेट्रोल 5 रुपए डीजल अज रात तो पंजाब दे विच होर कट जाएगा। ते नाल मैं मुबारकबाद दिना पंजाब दे लोकां नूं, ए भी एक दिवाली का तोहफा समझण, इस तरह के तोहफे होर भी आणगे। लेकिन ऐसी पंजाब दे विच लोकां नूं उहनां दी वित्त दे अनुसार खर्चा ते लोड पाउणा चाहुंदे आ। साडे टैक्स साडे सरकारी बोझ लोकां दे उत्ते इन्ना पिछले सालां दे विच पाया गया जिहड़ा कि आम लोकां तों मिडल क्लास फैमिलियां तों गरीब लोकां तों चक्कर इत्थे तक कि अमीर लोकां तों भी चुक्या नहीं जा रहा। उस नूं असीं हर खेतर दे विच घटा रहे, चाहे वह बिजली का है, 3 रुपये बिजली सस्ती कर दिती गई है, चाहे वह बिजली के बकाए जिहड़े गरीब लोग या मिडल क्लास फैमिलियां दे नहीं पा रही सी वह माफ कर दिते गए है। पानी का लोड है, पानी सस्ता कर दिता गया है, बिजली सस्ती कर दिती गई है, तो अज असी पेट्रोल ते डीजल सस्ता कर रहे हैं। तो मेरे कल वीर आए सी मेरे घर से धरना देने अकाली दल वाले, उन्होंने पता लग गया सी भी कल कैबिनेट होनी है। ये हुंदा है, मैं भी कैबिनेट ओपोजिशन लीडर रहा, सानू भी खबर आ जाती सी भी कल आ होना, फिर असी एक स्टेटमेंट दे दिंदे सी भी कट किया जाए। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को मैं मुबारकबाद दिना कि असी रेट घटाते हैं, वह कल साढ़े घर आए थे, उन्होंने पता से कि अज कैबिनेट के घटने हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारकबाद अकाली दल दे, क्योंकि ये किसी एक बंदे नू फिरके नू फायदा नहीं होना, ये किसी एक पार्टी के लोगों नू नहीं फायदा होना। अकाली दल दे कांग्रेस के या हर पार्टिया के लोग पंजाब के बसिंदे है, ओपोजिशन नू अपना रोल करना चाहिए। वह कल आए थे, उन्होंने एक उन्होंने ड्रामा किया है, अच्छी गल है। लेकिन अज जिहड़ा फैसला है मैनू यह करके साड़ी कैबिनेट नू करके बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसी पेट्रोल अगे क्या हो रहा है कि जिन्ने पंजाब के सरहदी हल्कों के पेट्रोल पंप है वह सारे नू बड़ी दिक्कत आती है। हरियाणे अगला जाके हरियाणे तेल पवा लिया, जिहड़ी गड्डी ने कलकत्ते जाना वह रास्ते तेल पाउंदा पंजाब च पाउंदा ही नहीं। तुसी हैरान हो गए कि पहली बार है पिछले 20 सालों के कि पंजाब के पेट्रोल नॉर्दन एरिए सब तो सस्ता हो गया है। सिर्फ चंडीगढ़ लगभग साढ़े नेड़े तेड़े है, बाकी सारे बड़े मार्जन के नाल सस्ता होया। 20 सालों के पहली बार है कि हरियाणे तो साडा डीजल भी सस्ता कर दिता है। असी 3 रुपये का फर्क है पेट्रोल दे विच, 3 रुपये 23 पैसे का फर्क है। दिल्ली नालों साडा पेट्रोल 9 रुपये सस्ता हो गया है। सो ज़्यादा ये बारे साडे फाइनांस मिनिस्टर जी दसणगे, मैं इन्हां नू ते पंजाब दी जनता नू बहुत बहुत बधाई दिना। हलो जी, सो मैं सिर्फ इस तरह हैगा कि जिवें सीएम साहब ने फरमाया कि जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी घटाई सी और एक्साइज ड्यूटी दे विच 42% जिहड़ा स्टेटां दा शेयर हुंदा है और ये जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट ने घटाया सी उहदे नाल पंजाब दा जिहड़ा सालाना रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि उस स्टेट शेयर आंदा सेंट्रल टैक्सिस चों, वह तकरीबन 900 करोड़ रुपए का सालाना पंजाब का रेवेन्यू लॉस जिहड़ा स्टेट नूं होण लग्या। मैं तो एक मुख्तसर जी स्टेटमेंट देनी है बई, अज थोड़े कैमरे ते कैमरे दियां कालियां अखां दे जरिए पंजाब सरकार ये डिमांड करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होर ड्यूटी घटावे, और ये ड्यूटी इस तरह ना घटावे कि एक्साइज ड्यूटी घटावे। पिछले 6 सालों च एक्साइज ड्यूटी नहीं वधी, अडिशनल एक्साइज, स्पेशल एक्साइज, सरचार्ज, सेस, क्योंकि जो एडिशनल ते स्पेशल ते सरचार्ज ते सेस की शक्ल हुंदी है उहदे नाल फिर स्टेट सरकारां नाल इन्हां नूं रेवेन्यू शेयर करन दा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक गारंटी है वह खत्म हो जाती है। मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों च 6 लाख करोड़ स्टेटां दा शेयर जिहड़ा है वह जब्त किया है। और मैं एक सादा जिहा सवाल पुछदा है पंजाब की प्रेस नूं
कि सेंटर दे थले किन्ने लोग आबाद है, किन्ने खानदान आबाद है, बहुत थोड़े। स्टेटा दे थले किन्ने आबाद है, तकरीबन सारे। और स्टेटा दीयां जिम्मेवारियां की है, जिन्ने लोग भलाई दे काम करने है वह स्टेटा दीयां सरकारां ने करने है। एजुकेशन असी देनी है, हेल्थ असी देनी है, पुलिस का बंदोबस्त असी करना है, जेलां असी चलानी है, बिजली असी बनानी है, नहरां असी चलानी है, बुढ़ापा पेंशन असी देनी है। हर एक लोग भलाई का काम जिहड़ा है वह स्टेट सरकार की जिम्मेवारी है। तो जो ये स्टेटा तो पैसे खाते है, स्टेटा तो पैसे लेंदे है, तो यदा मतलब ये स्टेटा तो नहीं लै रहे, ये इंडिया के लोगों तो लै रहे है। सो मैं तो यही स्टेटमेंट दूंगा अज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू मजीद अपने टैक्स जड़े है पेट्रोलियम से, एक्साइज की शक्ल च नहीं बट ऑल जे बाकी जो सरचार्ज वगैरह लाए है वो जो पंजाब सरकार ने राह दी है दे शुड मैच दैट। थैंक यू वेरी मच। एंड जिवें सीएम साहब ने कहा कि पिछले 18 महीनों च तकरीबन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जोड़े रेट है 1/3, अज भी आलमी मंडी से $82 की बैरल आ रही है। सरदार मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर से 135 भी सी, फिर भी डीजल पेट्रोल एदू घट बिक रहा है। सो मेरी अकल तो बाला तर है भी ये क्यों कर रहे हैं, कि कह देंगे है, क्योंकि टीकाकरण चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो असी फंड कर रहे हैं इस टैक्स के बीचों। उन्होंने अपनी जी फाइनैशियल या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो स्टेटा से लोड नहीं करनी चाहिए। और मेरे लिए अज बड़ा ये खुशनुमा फर्ज है कि पहली बार होएगा कि पंजाब दे विच पेट्रोलियम दे रेट जेड़े है वो नॉर्थ इंडिया च कमो पेश, कोई एक अद्धा स्टेट छड के कमो पेश सब तो सस्ते होंगे। थैंक यू वेरी मच। सर वैट जेड़ी है इहदी कैलकुलेशन कर लो, 10 रुपए दे हिसाब नाल जेड़ी है तो ये जेड़ा कटाया है ए डीजल ते 9.92 वैट कटाता है परसेंट, एंड जेड़ा पेट्रोल है ए 13.77 रह जूगा। इफेक्टिवली वैट ऑन डीजल विल बी 9.92 एंड पेट्रोल विल बी 13.77 इफेक्टिव मिडनाइट टुनाइट, आज 12 बजे तो। एक थैंक यू। तकरीबन ये कोई 6,000 करोड़ रुपया जड़ा है इस नाल साड़ी वैट रेवेन्यू जड़ी है मुतासर होएगी सालाना। वी हैव फैक्टर्ड इन ऑल दिस थिंग, असी वी रन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड ये जेड़े पिछले जेड़ा बजट पेश किया सी उस बजट के विच एडे ज्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, वी हैड नॉट फैक्टर्ड दैट, असी आपका बजट पुराने रेटा से किया। थैंक यू। ये सरकार के काम है, पोलिटिकल कामों के बैठने